हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक डिफरेंस क्रिएटर होगा एक बिगनर और एक प्रो इन्वेस्टर के बीच में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक प्रो इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ इनिशिएट करता है, कैसे वो इन सब कंपनीज़ का डीप डाउन एनालिसिस करता है, कैसे उसको इतने सारी चीज़ें पता होती हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सेक्टर में क्या चल रहा है, वो कैसे इन सब चीज़ों को देखता समझता है, तो वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपको दूंगा, तो प्लीज़ जाके सारी वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ 7 पॉइंट्स पे जो एक बिगनर को हेल्प करेगा उसकी जर्नी की तरफ, जो उसको प्रो बनाएगी। तो गाइस, एक चीज़ बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा बैठ के खुद ही एनालाइज करिए, खुद ही समझिए कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वैसा करने से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या जो चीज़ें आप अब तक जानते थे और जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ वो आपको एक बेटर और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाएंगी कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो एक प्रो इन्वेस्टर करता है और एक बिगनर को ज़रूर करनी चाहिए वो है फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट। जी, फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट जब मैं बोलता हूँ तो इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब है कि जैसे ही आप किसी बैलेंस शीट को देखते हैं उसके हर पैरामीटर को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। जो आपको नहीं समझ आती हैं टर्मिनोलॉजीज़ उनको आप गूगल करिए, बट बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने बैलेंस शीट को अच्छे से समझा और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि कैसे इस बैलेंस शीट में एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाया जा रहा है, आप बहुत ईजीली उस कंपनी को एनालाइज़ कर पाएंगे, उस बिज़नेस को आप एनालाइज़ कर पाएंगे। देखिए, हम जब किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं तो केवल वो एक नाम है और उसके आगे उसका अमाउंट है, ऐसा नहीं है। वो एक कंपनी है जिसके अंदर हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिसके अंदर करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स के लगे हैं, ओनर के लगे हैं, और हम जैसे जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके भी लगे हैं। तो अब अगर वो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है तो हमें ये भी पता चलेगा बैलेंस शीट से, और अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो रही है तो वो भी हमें पता चलेगा उसकी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो एक कंपनी का पूरा स्कैन दिखा देती हैं। जी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ स्कैन देता है कि भाई ये स्कैन करा के लाओ, उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम का मैं समाधान कर पाऊँगा। तो ऐसे ही कंपनी के स्कैन होते हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप बैलेंस शीट को उठाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि क्या कंपनी की सेल बढ़ रही है, उसका रेवेन्यू कैसा चल रहा है और उसके मार्जिन्स कैसे हैं, उसका जो भी एनालिसिस आपको वहाँ मिले आप उसको देखें, उसको समझें। क्योंकि देखिए, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि जिस कंपनी में आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं वो ग्रो हो भी रही है कि नहीं, वो कंपनी परफॉर्म भी कर रही है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हर बिगनर, हर जो इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टमेंट के हैं, कि हर अच्छा इन्वेस्टर, हर बड़ा इन्वेस्टर बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझता है, वो बैलेंस शीट के छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ को समझता है और उसी के बाद वो आगे अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है इन्वेस्ट करने का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ऑलवेज डू फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट। नाउ पॉइंट नंबर टू, रीड एनुअल रिपोर्ट्स। दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? हर साल चार क्वार्टर होते हैं, कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को इन चारों क्वार्टर्स में परफॉर्म करने के बाद एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है। उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है कि कंपनी ने क्या परफॉर्म करा है, उसके अंदर प्रमोटर्स का क्या विजन है, उनका क्या एम है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या वो किसी का लोन ऐसा बहुत बड़ा उनके ऊपर था जो वो रीपे करने का प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा टाई अप, मर्जर, एक्विजिशन वो कर रहे हैं जो फ्यूचर में कंपनी का फ्यूचर इफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको मिलती हैं। एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक साल की कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस और कंपनीज के फ्यूचर प्लान्स दोनों दिखाता है।
हमें कंपनी का मैनेजमेंट क्या सोचता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम चार्ट्स देखते हैं, हम नंबर्स देखते हैं, बट हमें वहाँ पर मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस नहीं दिखता है। मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस हमें मिलता है इन्हीं एनुअल रिपोर्ट्स में कि एक कंपनी जो इस लेवल पर काम कर रही है इससे बड़ा बनने के लिए क्या कर रही है। अगर कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो उसकी एक्सपेंशन में क्या पैसा लग रहा है। कंपनी अगर कोई मर्जर कर रही है तो उसका क्या प्लान है, कोई एक्विजिशन कर रही है तो उसका क्या प्लान है। हमें ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती हैं। एक ओनर का जो माइंडसेट होता है गाइज, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है। अगर एक ओनर अपने बिजनेस को लेके पैशनेट है, अपने बिजनेस को लेके वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो वो सारी चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर ज़रूर लिखी होंगी। और अगर उनकी ग्रोथ का कुछ ऐसा हिस्सा है जो उनको लगता है कि वो थोड़ा स्लो डाउन होगा या इमीडिएटली ग्रोथ नहीं आएगी या कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट उनके उनकी कंपनी के ऊपर फ्यूचर में पड़ने वाला है, वो भी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल सकती हैं। तो हमेशा एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टर इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करता है। एनुअल रिपोर्ट तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए आपको। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो उस कंपनी के बारे में गूगल पर मिला है उससे 10 गुना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी। तो आज से, अभी से इस चीज़ को समझिए कि जब भी आपको कोई एनुअल रिपोर्ट दिखे उस एनुअल रिपोर्ट को आप मिस मत करिए, क्योंकि वो एनुअल रिपोर्ट कंपनी का पूरा पूरा ब्यौरा देगा, पास्ट एक साल का और आने वाले फ्यूचर का। तो इससे आपको एक बेटर डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी। पॉइंट नंबर 3 इज ऑब्जर्व क्वार्टरली रिजल्ट्स। जी, हर कंपनी के 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। इन्हीं क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस जो होता है वो हमें पता चलता है। हर तिमाही के अंदर कंपनियों की परफॉर्मेंस जो होती हैं वो हमें समझ आने लग जाती हैं कि भाई इस कंपनी ने लास्ट 3 महीने में क्या परफॉर्म करा है। और इन्हीं 3 महीनों के आधार पर कंपनी अपने आने वाले 3 महीनों का प्लान रेडी करती हैं। देखिए, हर कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखानी होती है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखानी होती है। कभी भी अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें QOQ YOY ये लिखा होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स को। अगर एक कंपनी ने, मान लीजिए, एक तिमाही में 100 करोड़ की सेल करी और उसके अगले साल उसी तिमाही के अंदर उन्होंने 120 करोड़ की सेल करी, तो ये क्या दिखाता है कि वो कंपनी अपनी लास्ट ईयर की इसी क्वार्टर को बेटर परफॉर्म करके इस साल आगे बढ़ी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखनी बहुत ज़रूरी है और यही 4 क्वार्टर मिलके आपका एक एनुअल ग्रोथ बनाते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे क्वार्टर्स से आप गुजरेंगे। हर क्वार्टर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ ऊपर ही आएगी। कभी रॉ मटेरियल महंगा होगा तो कंपनी की जो मार्जिन्स होंगे उन पे फ़र्क पड़ सकता है। कभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम निकाल दी या कुछ ऐसे टैक्सेस अनाउंस कर दिए तो भी कंपनीज पे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। बट एक सॉलिड कंपनी, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी मैनेजमेंट के द्वारा चलाई जा रही कंपनी आपको हताश और निराश लॉन्ग टर्म में नहीं करेगी। उनको पता चलेगा कि उनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही कंपनीज़ के साथ हमें जुड़े रहना है। और जब हमें ऐसा दिखे कि कंपनीज़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो देखिए वहाँ आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है कि क्या आप उस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं इतने साल इन्वेस्ट करने के बावजूद। और हर क्वार्टर को अच्छे से समझिए। देखिए, हर क्वार्टर बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ नहीं होगा और हर क्वार्टर बहुत ख़राब रिजल्ट के साथ नहीं होगा। तो जब आपको रीज़न समझ आने लग जाएंगे कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस डाउन क्यों है और इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस अप क्यों है, तो आपको कंपनी का बिजनेस साइकिल भी समझ आएगा। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिनकी साइकिल्स होती हैं, जैसे मेटल सेक्टर है, वो साइक्लिक सेक्टर है, उसकी साइकिल्स होती हैं, वो ऊपर कुछ साइकिल्स में रहता है, कुछ साइकिल्स में डाउन रहता है। तो आपको एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी कि वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है गाइस, तो हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स को अहमियत दीजिए और उनके बारे में पढ़िए, समझिए। पॉइंट नंबर 4, हमेशा उस बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको समझ आता है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच यू अंडरस्टैंड क्लियरली। देखिए, एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे कोई बिजनेस की समझ नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते कि चल रहे हैं, बट अगर मैं उस बिज़नेस के बारे में पढ़ रहा हूँ और मुझे तब भी वो समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ बट मेरे को क्लैरिटी
नहीं मिल रही है तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। देखिए, जस्ट बिकॉज किसी बड़े एनालिस्ट ने मुझे गाइड कर दिया कि मैंने टीवी पे सुन लिया, मैंने यूट्यूब पे देख लिया, देखिए हमेशा उस एनालिस्ट की रिसर्च हो सकता है अलग लेवल पर हो, अलग रीज़न से हो। तो आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो अपने बिजनेस को समझ के इन्वेस्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कंपनी ने 70% का रिटर्न दिया है तो आप आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर दें। आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसका धंधा आपको कितना समझ आ रहा है, क्योंकि एक बिज़नेस जो आपको समझ आएगा उसमें आप इन्वेस्ट करना इजी रहेगा आपके लिए, और उसमें कभी अगर डाउन ट्रेंड आएगा तो आपको समझ आएगा कि इसमें डाउन ट्रेंड क्यों आया है, इसके अंदर ये इशू क्यों आया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ आईटी सेक्टर के अंदर अगर डाउन ट्रेंड आता है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि भाई आईटी सेक्टर के अंदर डाउन ट्रेंड क्यों आया है, क्योंकि हो सकता है ग्लोबली अगर आईटी सेक्टर है वो परफॉर्म ना कर रहा हो, उनकी ग्रोथ जो है वो उस तरीके से ना रही हो, या फिर कुछ भी और रीज़न हो सकते हैं उस सेक्टर के डाउन ट्रेंड के। अगर आपको वो बिज़नेस समझ आते हैं कि हाँ इस बिज़नेस में ये इशू हैं, तो आप इजीली अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे कि मैं कुछ टाइम होल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि बिजनेसेस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि जब इन्वेस्टर्स को बिज़नेस समझ नहीं आते हैं तो वो उसको होल्ड भी नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अरे मैंने तो इसके अंदर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करा था और ये तो एक साल से रिटर्न ही नहीं दे रहा है। बट अगर आपको पता है कि इस सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, इस सेक्टर में ग्रोथ क्या है, इस सेक्टर को मूव करने वाले एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो आप उस सेक्टर को, मेरी बात लिख के ले लीजिए कि आप उसको हमेशा के हमेशा उस नज़रिए से देखेंगे रादर देन किसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप उस पर चलेंगे। तो हमेशा उस बिज़नेस में पैसा डालिए जो आपको समझ आता है, रादर देन किसी और ने आपको ज्ञान दिया है आप उस पर इन्वेस्ट मत करिए। हमेशा जो बिज़नेस आपकी समझ आ रहा है उसमें पैसा लगाइए, आप इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर फाइव इज़ फोकस ऑन सेक्टोरल ग्रोथ। जी, सेक्टर की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से पैसा लगाइए, उसके हिसाब से प्लान बनाइए। रीज़न क्या है ये बोलने का? रीज़न ये है दोस्तों कि जब एक सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता होंगी तो उस सेक्टर की कंपनीज़ को आप पिन पॉइंट करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि इस सेक्टर का कोई भविष्य है या नहीं तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे? एक बहुत सरल बात है कि अगर एक सेक्टर आप चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो उस सेक्टर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेक्टर मैंने चुना है इसकी ग्रोथ एक कंट्री की ग्रोथ के साथ अलाइंड है भी या नहीं। देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कंट्री की ग्रोथ के साथ अलाइन करते हैं, और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, वो हर कोई कर सकता है। पर हमें यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अगर मैं कोई ऐसा सेक्टर चूज़ कर रहा हूँ जो नया मार्केट में आया है या जो जिसके ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टेड नहीं हैं, तो मुझे उस सेक्टर को समझना ज़रूरी है। अगर मैं उस सेक्टर को जानता नहीं, समझता नहीं, मुझे उसका ग्रोथ ही नहीं पता क्या है, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ? मुझे अगर उस सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ समझ आएगी मैं तभी उस सेक्टर की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाऊँगा। तो कंपनी की ग्रोथ तो ज़रूरी है ही है, उस सेक्टर की ग्रोथ भी ज़रूरी है। अगर एक सेक्टर की 5 कंपनियाँ एक साथ ग्रो कर रही हैं तो यानी वो सेक्टर ग्रो कर रहा है, और अगर वो सेक्टर ग्रो कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर उसकी बैलेंस शीट और आपने बाकी सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमेशा एक सेक्टर की ग्रोथ को पकड़ें। सेक्टर अगर ग्रोथ वाला है तो कंपनियां ऑब्वियसली आपको रिटर्न कमा कर देंगी। तो जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं वो सेक्टोरल ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं गाइस, तो इसको ध्यान रखें कि सेक्टर की ग्रोथ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर कंपनीज ग्रोथ। पॉइंट नंबर सिक्स इज़ कीप योर कैश रेडी व्हेन देयर इज़ ब्लड इन द मार्केट। जी, तो जैसे ही शेयर्स में गिरने का ट्रेंड चालू हो जाए या मार्केट में बड़ी करेक्शन आ जाए या एक बियर्स का खेल शुरू हो, तो उस टाइम पे हमें पैसा रेडी रखना चाहिए सो दैट हम उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ और शेयर्स खरीद पाएँ। अब हमें इतना पैसा हमारे पास, देखिए आप और मैं छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा, बट हाँ कुछ छोटा सा अमाउंट हम अलग निकाल कर रख सकते हैं जिसको हम यूटिलाइज़ करें, जैसे कोविड में फॉल आया था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर जो शेयर्स हमें बहुत सस्ते दामों पर मिलते हैं वो जनरली हमें नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम शेयर्स बाय करें या कुछ भी इस तरीके का काम करें तो थोड़ा सा अमाउंट अपना अलग निकाल कर रख दें ताकि हमें हेल्प हो।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। और हाँ गाइज, हमें अपना इमरजेंसी फ़ंड यहाँ यूज़ नहीं करना है, हमारा जो इमरजेंसी फ़ंड होता है उसको अलग रखना है। स्टॉक्स के लिए हम थोड़ा सा अमाउंट और अलग से निकाल कर रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बैक योर रिसर्च एंड एनालिसिस। अगर आप कोई रिसर्च या एनालिसिस करते हैं तो उसको थोड़ा बैक करिए। देखिए, जब तक आप मार्केट के अंदर अपनी रिसर्च और एनालिसिस को बैक नहीं करेंगे, आप कुछ शेयर्स नहीं खरीदेंगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको ये चीज़ हमेशा करनी पड़ेगी कि अगर आप कोई नई रिसर्च कर रहे हैं, कोई आपने एनालिसिस करा है, कोई आपने डीप डाउन फंडामेंटल एनालिसिस करा है, तो आप उसको बैक करें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे आपको ये चीज़ कभी समझ नहीं आएगी कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बने हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो रिसर्च एनालिसिस होते हैं वो थोड़े से हमें ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत एग्रेसिव कर लिया या बहुत डिफेंसिव कर लिया है कि ये शेयर बहुत अच्छा चलेगा, ये शेयर बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, अगर आपकी रिसर्च है, आप उसके ऊपर स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ये जो मैंने रिसर्च करी है ये बराबर है, तो आपको उसको बैक करना चाहिए। आपको वहाँ खड़े रहना पड़ेगा और उन शेयर्स के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च पर आप विश्वास नहीं करेंगे और अपने स्टॉक्स पर आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट के अंदर ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मैंने ये रिसर्च करी थी, मेरे इस स्टॉक का ये रिटर्न इतने टाइम के अंदर आया है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, ऑलवेज बैक योर रिसर्च एंड एनालिसिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एनालिस्ट आपकी रिसर्च या आपके एनालिसिस के अगेंस्ट अपना ओपिनियन रख रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनका अपना रिसर्च एनालिसिस है, आपका अपना रिसर्च एनालिसिस है, उनकी रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने जो रिसर्च एनालिसिस है उनको ख़राब मत बोलिए। हो सकता है कि वहाँ पे ग्रोथ आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिले, बट अगर आप एक बार विश्वास करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है या आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। तो हमेशा अपनी एनालिसिस को बैक करें और किसी के कहने के अकॉर्डिंग या उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च को ख़राब ना करें, ठीक है? तो इसका ध्यान रखें। सो विद दिस गाइस, वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एज अ बिगनर आपको हेल्प हुई है ये जानने के लिए कि एक प्रो इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे आगे बढ़ता है अपनी रिसर्च एनालिसिस और अपनी पूरी की पूरी थ्योरीज़ के साथ, तो आई होप आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा है, गिव इट अ थम्स अप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ press the bell notification and share it with your family members, friends and your loved ones, because hamara motto bahut simple, bahut clear hai: stay together, grow together and prosper together. I'll meet you guys in some other video. So till then, bye bye, take care and Jai Hind.